हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीबीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर कल मार्केट सेंसेक्स 700 अंक ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी यहां पर 206 अंक ऊपर हुई है। तो इसका मतलब निफ्टी 17,245 पर बंद हुई है और 57,521.06 पर सेंसेक्स बंद हुआ है। और मित्रों, यहाँ पर देख लेते हैं यूएस डॉलर का, तो रेट 76.6167 हो गया है और यहाँ पर यूरो का 80.6003 हो गया है और पाउंड का यहाँ पर 96.0191 हो गया है। जापानीज येनो का यहाँ पर 58.8800 हो गया है। और मित्रों, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम गोल्ड का, तो गोल्ड का रेट 5,184 रुपये हो गया है और सिल्वर का रेट 69 हो गया है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब ये लक्षण हैं। इसके बाद में देख लेते हैं मित्रों, यहाँ पर हम गूगल फाइनेंस की तरफ जाकर के क्या है यहाँ पर खुशखबरी है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर खुशखबरी यह है कि डॉव जोन यहाँ पर 614 अंक ऊपर गया है और एसपी इंडेक्स यहाँ पर 103 अंक ऊपर गया है और नैसडेक यहाँ पर 382 अंक ऊपर है और रसेल मार्केट यहाँ पर 33 अंक ऊपर है। तो मित्रों, यहाँ पर आज मार्केट में बहुत अच्छा धमाल होने वाला है, बहुत ही अच्छी मार्केट आज मुझे लग रहा है ओपन होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट आ ही चुके हैं और आईएक्स के आ चुके हैं, स्टील के आ चुके हैं, वेदांत के भी आ चुके हैं। मैं सारे रिजल्ट आपको, सीडीएसएल का आज आने वाला रिजल्ट सीडीएसएल का, तो आप इस पर नज़र बना के रखिए। और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एमफैसिस लिमिटेड ने यहाँ पर 46 रुपये का डिविडेंड देने का अनाउंस किया है। और मित्रों, यहाँ पर इसके हम रिजल्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, टोटल इनकम में एमफैसिस का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.15% का प्रॉफिट रहा है और नेट प्रॉफिट में इनका 9.61% का रहा है और ईपीएस में इनका 9.34% का प्रॉफिट रहा है। इसके बाद में टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर मित्रों, इनका ईयर ऑन ईयर 29% का प्रॉफिट रहा है और नेट प्रॉफिट में 23% बढ़ा है और ईपीएस इनका 23% बढ़ा है। इसके बाद में अगर बात करते हैं 9th मंथ के डाटा की, तो 23% बढ़ा है नेट टोटल इनकम में और नेट प्रॉफिट में यहाँ पर 17.59% बढ़ा है, ईपीएस में इनका 17.35% बढ़ा है। इसके बाद हम बात करिए आप लोग टाटा पावर साइंस एमओयू विद द NARECDO टू इंस्टॉल द 5000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स अक्रॉस द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टाटा पावर ने एमओयू साइन कर दिया है 5000 ईवी स्टेशन बनाने के लिए। तो आज इस कंपनी को आपने रडार पर रखिए। इसके बाद में इनफ्लेम अप्लायंस गेट द फर्स्ट ट्रायल ऑर्डर फ्रॉम द स्टॉप क्राफ्ट लिमिटेड। इनफ्लेम को यहाँ पर स्टॉप क्राफ्ट से एक पहला ट्रायल ऑर्डर मिल गया है। इसके बाद में आती है खबर यहाँ पर जिंदल स्टील से, तो यहाँ पर माननीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद ने जिंदल स्टील अंगोल में भारत के पहले और एकमात्र कोयला गैसीकरण आधारित 2MP DRI संयंत्र के कामकाज का भी निरीक्षण किया। कोल गैसिफिकेशन प्लांट कार्बन कैप्चर तकनीक से लैस है और पहले से ही ये प्रतिदिन लगभग 2000 टन CO कैप्चर कर रहा है, जिससे जिंदल स्टील को अपने कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी कम करने में मदद मिल रही है। जिंदल स्टील अपनी अंगोल संयंत्र की क्षमता को 6 MTPA से बढ़ाकर 12 TPA में कर रहा है और 2025 तक कुल यह 15 MTPA स्टील बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। तो इस कंपनी को भी आप अपने रडार पर लिखिए आज। इसके बाद हम बायकॉन ने यहाँ पर 0.50 का अनाउंस किया है डिविडेंड और फिनोटेक्स ने यहाँ पर 16.52 करोड़ रुपये का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट किया। चलो रिजल्ट देख लेते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हम क्वार्टर ऑन की बात करें तो टोटल इनकम तो 14% बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर -10% है, ईपीएस 10% है। अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर, तो 56% इनका टोटल इनकम हुआ है, नेट प्रॉफिट इनका 47% हुआ है, ईपीएस इनका 47% हुआ है। मित्रों, 373 रुपये शेयर का रेट चल रहा है। बात करते हैं एग्रोटेक की, तो यहाँ पर उन्होंने 3 रुपये का डिविडेंड देने का अनाउंस कर दिया है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मित्रों एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में हम लोग देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्होंने 4.12% का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट में इनका 11% का प्रॉफिट हुआ है और ईपीएस में इनका 11.66% का प्रॉफिट हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, तो ये 15.87% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट इनका 49.78% बढ़ा है, ईपीएस इनका यहाँ पर 49.90% बढ़ा है। तो इसके बाद में हम लोग अगर इनका देखते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट में यहाँ पर 9 मंथ की डाटा की बात करें तो वो 10% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट इनका 95% बढ़ा है और ईपीएस इनका 92.26% बढ़ा है। मित्रों, यहाँ पर इस बैंक के रिजल्ट में असेट देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी कहानी एनपीए पे ही डिपेंड होती है। ज़्यादा एनपीए होते हैं तो कंपनी लॉस में जाती है। तो देखो मित्रों, यहाँ पर एनपीए लगातार यहाँ पर घटा है और नेट एनपीए देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ भी ये घटा हुआ है। तो यह एक कंपनी का गुड साइन है कि कंपनी यहाँ पर प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि एनपीए घटना अच्छी चीज़ है।
अभी हम मित्रों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बजाज होल्डिंग्स ने यहाँ पर ₹25 का डिविडेंड देने का अनाउंस किया है। इसके बाद श्रीराम प्रॉपर्टीज़ या श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का प्रोग्रोथ हुआ। टोटल इनकम नेट इनका 9.58% का प्रॉफिट हुआ है और EPS इनका मित्रों यहाँ पर 58.44% बढ़ गया है। इसके बाद मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं टोटल इनकम इनका 13.11% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट इनका 43.87% बढ़ा है और EPS इनका यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 33.32% बढ़ गया। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो मित्रों यहाँ पर 10% तो इनका टोटल इनकम बढ़ा है और नेट प्रॉफिट इनका 8.87 बढ़ा है और EPS इनका यहाँ पर 0.78% बढ़ गया और इनका रेट ₹1157 चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों इंडिया मार्ट्स की। यहाँ पर तो उन्होंने ₹2 का डिविडेंड देने का अनाउंस कर दिया है और कोलगेट ने यहाँ पर ₹21 का डिविडेंड देने का अनाउंस किया है। वाइकॉन ने यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं इसके, तो देखिए 11% तो इनका टोटल इनकम बढ़ा है और नेट प्रॉफिट इनका बढ़ा है 27%, EPS इनका बढ़ा है 27%। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो टोटल इनकम 20% है लेकिन नेट प्रॉफिट -5% है और EPS इनका -6% है। ईयर ऑन ईयर और 9 मंथ के डाटा की बात करें तो 13% टोटल इनकम है लेकिन नेट प्रॉफिट इनका -12% है, EPS इनका -12% है। इसके बाद बात करते हैं मित्रों ओरिएंटल रेल इंफ्रा की, तो यहाँ पर 0.25 का इन्होंने डिविडेंड देने का अनाउंस कर दिया। और वारंटी लिमिटेड की बात करें तो मित्रों यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर टोटल इनकम में तो -32% हुआ है लेकिन प्रॉफिट इनका 258% है, EPS इनका 258% बढ़ा है। मित्रों बात करते हैं अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर की, तो यहाँ पर 38.5% तो टोटल इनकम हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर 59.57% बढ़ा है, EPS इनका 59.58% माइनस में हुआ है। नेट प्रॉफिट और EPS दोनों ही इनका गिरा हुआ है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं यहाँ पर सॉपर की, तो यहाँ पर इनका रिजल्ट देख लेते हैं। तो मित्रों यहाँ पर पूरा माल नेगेटिव में रिजल्ट दिख रहा है, तो इसके मुझे खास अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर तो ईयर सही रहे लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इनके आए नहीं है। और रेट भी इनका कंपनी का ₹2686 है, शेयर भी बढ़ा है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं यहाँ पर वेदांता ने यहाँ पर 31.5% मतलब ₹31.5 का डिविडेंड देने का अनाउंस किया है, ₹31.5 का डिविडेंड देने का किया। कंपनी छोटी है, बढ़िया कंपनी है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं गोकुल की, तो गोकुल ने यहाँ पर देखिए +5% टोटल इनकम में हुआ है और नेट इनकम इनका 98.78% है और EPS इनका 95.85% बढ़ा है। और मित्रों यहाँ पर अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो 2.7% यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, नेट प्रॉफिट इनका 204% बढ़ा है और EPS इनका 195% बढ़ा है। 9 मंथ के डाटा की बात करें तो 24% टोटल इनकम है, नेट प्रॉफिट इनका 175% है, EPS इनका 166% बढ़ा है। इसके बाद इसका रेट भी देखो मित्रों ₹112 चल रहा है, तो इस कंपनी को भी आज आप लिख लीजिए। एग्रोटेक की बात करें तो यहाँ पर मित्रों इनका भी रिजल्ट आ चुका है और इनका रिजल्ट मुझे क्वार्टरली क्वार्टर अच्छा नहीं लगा है मित्रों, देखिए आप माइनस में सारा दिखाई दे रहा है। इसके बाद में बजाज होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर इनका भी रिजल्ट देख लेते हैं, तो देखिए टोटल इनकम तो -4 है और नेट इनकम 6% है, EPS इनका 6% है और ये 16% ईयर ऑन ईयर इनका यहाँ पर -6% है, नेट प्रॉफिट 16% है, EPS इनका 16% है। तो मित्रों लोगों को भी इसका बजाज होल्डिंग्स का भी मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं लगा है। इसके बाद में इंडिया मार्ट्स का अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्वार्टर क्वार्टर तो यहाँ पर -9.95% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट इनका यहाँ पर -18% घटा है और EPS इनका -18% घटा है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं इनको रामा सिंथेसिस की, तो यहाँ पर मित्रों यहाँ पर देखते हैं इनका रिजल्ट, तो 13% बढ़ा है टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट बढ़ा है 12%, EPS बढ़ा है 12%। इसके बाद में अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो टोटल इनकम तो 49% बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट इनका -16% हुआ है, EPS इनका -16% हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पर ओरिएंटल रेल इंफ्रा का हम रिजल्ट अगर देखते हैं तो 21% टोटल इनकम बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 11% बढ़ी है, EPS इनका 11% बढ़ा है। और इसके बाद में वेदांता का रिजल्ट देखते हैं तो वेदांता में टोटल इनकम 16% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट इनका 39% बढ़ा है, EPS इनका 39% बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन की बात करें तो 39% बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट -9% हुआ है, EPS इनका -9% हुआ है। इसके बाद मित्र डाटा मैट्रिक्स का भी हम रिजल्ट देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए कि इन्होंने यहाँ पर 1.25 का डिविडेंड देने का अनाउंस किया है। मोतीलाल ओसवाल का अगर हम बात करें तो इन्होंने मित्रों यहाँ पर
मोतीलाल ओसवाल से ये खबर आ रही है कि ये अपना जो शेयर है इक्विटी शेयर उसको बायबैक करेंगे और इसकी जो मीटिंग करने वाले हैं वो हैं 17 मई को। अभी इसके बाद में यहाँ पर अमोजा सीमेंट का रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर मित्रों क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पर 3.6% हुआ है और लेकिन नेट नेट प्रॉफिट इनका 126.69% आया। ईपीएस इनका 127.40% बढ़ा है। इसके बाद मित्रों यहाँ पर बात करें तो अगर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की तो यहाँ पर देखिए 2.28% इनका टोटल इनकम में हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट इनका -30% गया, ईपीएस इनका -30% गया और मैं तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके खास अच्छे नंबर आए हैं। वैसे नेट प्रॉफिट की बात करें तो बहुत अच्छा जूम हुआ है इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईपीएस भी इनका बढ़ा है। देखते हैं आज मार्केट इनका कैसा रेस्पॉन्स देती है इसके नंबरों को। इसके बाद में हम फिनोटेक्स की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 0.40 का डिविडेंड देने का अनाउंस कर दिया है और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो देखिए आप 9 मंथ के अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करते हैं तो टोटल इनकम तो 14% बढ़ा है लेकिन नेट प्रॉफिट इनका 10% घटा है और ईपीएस इनका 10% घटा है। इसके बाद में टोटल इनकम 56% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट इनका 47% बढ़ा है और ईपीएस इनका 47% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। इसके बाद में अगर 9 मंथ की डाटा की बात करें तो 58% बढ़ा है टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट इनका 29% बढ़ा है और ईपीएस इनका 29% बढ़ा है। तो मित्रों यहाँ पर आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आपके लिए जो मैंने आपको देना उचित समझा। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।